देखिए ग्रीन हाउस, इसमें तो टेंट पेस्ट वाला इसमें लगाया गया, जिसमें वेंटिलेशन के लिए, उसमें हवा के लिए, इसलिए उसका पूरा ज़्यादा हवा नहीं होता और हवा क्रॉस करके इसमें निकल जाती है ऊपर से। ये देखिए किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसके अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है, कौन सी फसल लगा रही है, क्या है। तो हम यहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं। अभी ये देखिए किस प्रकार से इसमें हम पहले गेट में अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। हमेशा हम देखते हैं कि इसमें कभी भी कौन से भी, मतलब हम ग्रीन हाउस में चलते हैं तो पहले एक छोटा सा बॉक्स होता है, फिर उसके अंदर से जाता है, क्योंकि अपन बाहर से अपन आगे जाते हैं अपन तो उसमें कोई इंसेक्ट या फिर कोई भी रोग रोग होता है जिसमें अपन लग जाते हैं, उस हिसाब से अपन इसमें अंदर जाते हैं। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले में आएंगे। फर्स्ट वाले में आने के बाद हम इस चेक करेंगे कैसे क्या है, कुछ इंसेक्ट तो नहीं लगे, ताकि अंदर जाने से पहले अंदर पूरा फ्रेश रहे एकदम। तो अंदर जाके दिखाते हैं कि कैसा है। जा रहे हैं अंदर, अंदर के दिखाता हूँ मैं किस तरह से रहता है इसमें। ये देखिए ये वो दूसरा गेट है, इसके अंदर ये हमारा चलो था, इसके अंदर ये हो गया पूरा। ये देखिए वातावरण कितना ठंडा और इतना कूल, एकदम अच्छा है, इसमें टेम्परेचर अच्छा बना रखा है इसके अंदर। और ये सिंचाई के लिए इसमें ड्रिप विधि का इसमें प्रयोग किया गया। ये देखिए पास में ही है, ये देखिए इसमें पाइप के अंदर छिद्र किया गया है छोटे छोटे, जिससे पानी से बूंद बूंद तरह से निकलते हैं इसमें और सिंचाई होती है। अभी तक इसमें प्लांट नहीं लगाया गया है और अभी तो इस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क। हम स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाएंगे और आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर, ये ऊपर दिखाइए आप, ये इसमें देखिए ये फ्रो है इसके अंदर, इससे पानी से पानी 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 छिड़ता है वातावरण, इसमें वातावरण ठंडा रहता है जिससे टेम्परेचर भी इसमें क्रॉप को बना रहता है। ये देखिए इधर आइए, तो हमने प्लांट ग्रो से पहले हमने नर्सरी में छोटे छोटे पौधे लगाए हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हमने यहाँ पर छोटे छोटे पौधे ग्रो किए हैं हमने, ये पास में दिखाई आपकी, ये पास में लीजिए इसमें। ये देखिए ये किस प्रकार से इनमें लगाए गए हैं पूरा करो इधर। ये देखिए कम से कम हमने यहाँ पर एक ट्रे के अंदर इसमें कम से कम 60 से 70 है और हमने कम से कम पूरे के पूरे 2000 प्लांट लगा देगी इसमें ग्रो करें। इसमें डेवलप करके हम इसमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, पर इसमें डायरेक्ट हम लगाएंगे, इसमें लगा के हम डाले पूरे इसमें, क्योंकि मिट्टी तो तैयार है अपनी, बस उसमें खाद उर्वरक ये सब इसमें डालने हैं, कोकोनट मर्दा उसमें पूरा का पूरा इसमें सिस्टम करना है। बाकी सिंचाई और टेम्परेचर के लिए उसके हिसाब से ही है। एयर कंडीशन के लिए हमने वो सामान पर वो देखिए वो फ्लोर लगा रखा है, उसके अंदर वो एयर कंडीशन का पूरा होता है और नाइट में लाइटिंग के लिए पीछे का स्टेप लाइटिंग लगा चुकी है। तो आप अपन कभी भी देखते हैं दो स्टेप क्यों होता है, एक तो ये होता है और वो होता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा बताएंगे अपन। ये देखिए किस प्रकार से नर्सरिंग इसमें ग्रो कराया जा रहा है इसमें। ये देखिए तो ये प्रोग्रेस है और अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने हमको और अच्छी दिखाऊंगा।